मेरे दोस्त बनते हो। पुलिस की फाइल देखकर मुझे इतना नहीं बता सकते कि विक्रम और सिंह की मौत हुई कैसे? डैडी, कैलाश को फोन कीजिए, हर्षु को फिर से दौरा पड़ गया। तुम्हें इस बालिका के शरीर को छोड़ना होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैलाश, तुम अब भी भूत प्रेत और जादू टोना में विश्वास नहीं करते? भूत पिशाच निशा कर सारे भागे सुनकर नाम तिहारे। डॉक्टर कैलाश अभी तक नहीं मानता, लेकिन शायद तुम्हारा कैलाश मानने लगा है। वैसे तांत्रिक का इलाज अकल से बाहर नहीं, इसे मेडिकल साइंस में क्रूड साइकिक ट्रीटमेंट कहते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। आत्मा बिना काया के निष्काम है, तू जानता है, इसलिए शरीर मैं नहीं छोड़ सकता। कैलाश, प्लीज, तुम तो अर्चना का इलाज कर ही रहे हो, अब इस तांत्रिक में जादू टोना का लेने दो, प्लीज। पन्नालाल, बॉलीवुड के मशहूर जासूसी थ्रिलर फिल्म निर्माता रविकांत नगाइच साहब ने एक बार अपने परिचित ढांचे या जॉनर से बाहर निकलकर एक हॉरर फिल्म का निर्माण किए थे। 1977 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था जादू टोना। इस फिल्म की स्टोरी आइडिया ग्रामीण लोक कथाओं में प्रचलित भूतिया कहानियाँ या घटनाओं से लिया गया था। जादू टोना का अर्थ होता है मंत्रगुप्ती। फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। 70 और 80 के दशक की बॉलीवुड हॉरर फिल्मों में आमतौर पर बी ग्रेड या दूसरे दर्जे के कलाकारों को कास्ट किया जाता था, लेकिन फिल्म जादू टोना में फिरोज खान, रीना रॉय, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा, KN सिंह, जीवन, रमेश देव और प्रेमनाथ जैसे ए ग्रेड या पहले दर्जे के स्टारों को कास्ट किया गया था। जो लोग भूतिया फिल्में देखना पसंद करते हैं उन्हें ये फिल्म देखकर बुरा नहीं लगेगा। फिल्म के कहानी और स्क्रीन प्ले लिखे थे अजीज़ कुरैशी साहब। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है। बम्बई निवासी अमीर चंद एक बड़े बिजनेसमैन है। वो अपने दोनों बेटियों वर्षा और हर्षा को लेकर अपने पिता और माँ से मिलने के इरादे से अपने निजी कार से अपने गांव के ओर निकल पड़े थे। अपने गांव में घुसने से बस कुछ ही दूर पहले रास्ते में अमीर चंद को गांव के बाहरी इलाके में कुछ गांव वालों ने रोक लिया, जो उसे एक स्थानीय पीपल या बडगद के पेड़ का सम्मान करने के लिए कहते हैं, जिसे वो शुभ और पवित्र मानते हैं। शहरी सोच और तार्किक नैतिकता से निर्देशित एक आधुनिक इंसान अमीर चंद इसे गांव वालों का अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर देता है और गांव वालों को कुछ कठोर शब्द सुनाने के बाद अहंकार से वो जगह छोड़कर चला जाता है। तभी एक काली बिल्ली उस पीपल की पेड़ से अमीर चंद की यात्रा को देखती हुई दिखाई देता है। वर्षा अपने दादा दादी के घर पहुंचकर उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो जाती है। वहां छोटी बेटी हर्षा खेतों और गांव में हर जगह घूमती फिरती है। फिर घटना ने एक अलग मोड़ ले लेता है। अमीर चंद की छोटी बेटी हर्षा खेल खेल में एक तितली का पीछा करती है और भागते भागते वो अनजाने में गांव से काफ़ी दूर एक टूटे फूटे खंडहर के पास पहुंच जाती है। खंडहर के अंदर घुसने के बाद हर्षा ने एक रहस्यमय व्यक्ति को वहां बैठा हुआ देखता है। अजीब से दिखने वाला वो आदमी ने हर्षा को कमरे के कोने में एक अलमारी में रखी दवा की शीशी खोलकर उसे पिलाने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वर्षा उस बोतल का मुंह खोलती है तो उसमें से धुआं निकलकर चारों ओर छा जाता है और हंसी की आवाज़ गूंज उठती है। गांव वालों ने बेहोश हर्षा को एक पेड़ के नीचे पाता है और उसे उठाकर घर ले आता है। घर आने के बाद जब गांव का डॉक्टर हर्षा के इलाज के लिए आते हैं तो हर्षा उसके साथ बहुत ही हिंसक और अस्वाभाविक बर्ताव करता है। हर्षा के बर्ताव में अजीब सा बदलाव भी आ जाता है। कभी कभी उसकी आवाज़ का स्वर बदलकर मर्दाना हो जाता है। वो एक उन्मादी लड़की की तरह बर्ताव करने लगती है। तब हर्षा की दादी ने उसके दादा से कहता है कि हर्षा पर ज़रूर कोई बुरी शक्ति का प्रकोप है और ये डॉक्टरों का काम नहीं, उसे सिर्फ बजरंगी बाबा ही ठीक कर सकते हैं। बजरंगी बाबा नाम के वो योगी पुरुष अमीर चंद के घर आता है और हर्षा को देखने के बाद वो कहते हैं कि बच्ची पर किसी प्रेत आत्मा का साया तो ज़रूर है। वो हर्षा को ठीक करने के लिए कुछ पूजा सामग्री लाने का आदेश देते हैं, लेकिन ठीक उसी समय हर्षा की बड़ी बहन वर्षा वहाँ आ पहुँचती है और उसने उस योगी पुरुष को पाखंडी और ठग जैसे कठोर शब्दों से संबोधित करती है। वर्षा कहती है कि वो गांव के इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल ही यकीन नहीं करती। वे अपनी छोटी बहन हर्षा को शहर ले जाकर उसकी आधुनिक इलाज कराएगी। हर्षा की बदतमीजी पर वो साधु थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं और दृढ़ता से वर्षा से कहते हैं कि वो एक दिन ये विश्वास करना सीख जाएगी कि सांसारिक दुनिया से भी परे एक अलौकिक दुनिया है जो विज्ञान या साइंस के नियम से नहीं चलता है। तब अमीर चंद के माता पिता यानी कि हर्षा और वर्षा के दादा दादी अपनी पोती वर्षा द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और बदतमीजी के लिए जोगी से बार बार माफ़ी मांगते हैं और उनसे अप्रसन्न या असंतुष्ट ना होने की विनती करते हैं। बजरंगी बाबा ने सभी को माफ़ कर देते हैं और हर्षा के हाथ एक ताबीज़ बांधकर चले जाते हैं। फिर शहर में आकर हर्षा का इलाज शुरू होता है, लेकिन अस्पताल में हर्षा का बर्ताव बहुत ही असामान्य और हिंसक होने के कारण डॉक्टर अमीर चंद को हर्षा को किसी अच्छे मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की सलाह देते हैं। चिंतित अमीर चंद हर्षा के इलाज के लिए शहर के सबसे मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कैलाश आर्य से मिलते हैं। कैलाश आर्य ने अमीर चंद को भरोसा देते हैं और खुद हर्षा का इलाज करना शुरू करते हैं, लेकिन वो एक नास्तिक किस्म के इंसान थे, इसलिए वो सबसे पहले हर्षा के हाथ से बजरंगी बाबा का बांधा हुआ वो ताबीज़ खोल देते हैं। क्योंकि हर्षा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए गांव वालों का मानना ये था कि वो पवित्र पीपल का पेड़ का अनादर या असम्मान करने का ही अंजाम है। इस बीच शहर के कुछ बड़े व्यापारियों की रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक हत्या होने लगती है और इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन को ये पता लगाने का जिम्मेदारी सौंपा जाता है कि हत्यारा कौन है। कई घटनाओं और कुछ और हत्याकांड के बाद इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन को ये एहसास होता है कि शायद अमीर चंद के परिवार का इन हत्याओं से कुछ ना कुछ संबंध तो ज़रूर है। जॉली गुडमैन तहकीकात के लिए सीधे आमिर चंद के घर पहुंच जाते हैं और उनका शक उनकी छोटी बेटी हर्षा पर पड़ती है। आगे क्या होता है, गांव के वो खंडहर का राज क्या है, हर्षा को कौन ठीक कर सकता है, कैलाश आर्य या उस गांव के बजरंगी बाबा, खंडहर में रहस्यमय वो बूढ़ा आखिर कौन था, क्या इंस्पेक्टर जॉली गुडमैन शहर के प्रमुख व्यवसायी के मर्डर के पीछे के राज को उजागर करने में कामयाब हुए। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए आप फिल्म जादू टोना देख लीजिए। पूरी फिल्म की कहानी चमत्कार या चमत्कारी शक्ति पर विश्वास और अविश्वास इसी तर्क के आधार पर आगे बढ़ती है। उस समय के हिसाब से ये फिल्म की मेकिंग काफ़ी अच्छी थी। हालांकि कॉमेडियन जगदीप की बेवजह हरकतें दर्शकों को परेशान करती है। हेमंत भोसले जी के कॉम्पोजिशन में गाने बेहद साधारण और औसत है, लेकिन उत्तम सिंह जी द्वारा बनाए गए फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी उम्दा है। फिरोज़ खान, अशोक कुमार, प्रेम चोपड़ा और प्रेमनाथ जैसे दिग्गज कलाकारों ने शानदार अभिनय किया है। के.एन. सिंह और जीवन जैसे वरिष्ठ कलाकारों की उपस्थिति भी काबिले तारीफ है। फिल्म की कहानी ग्रामीण और शहरी दोनों इलाके के इर्द गिर्द घूमती है। खास करके ग्रामीण लोकेशन बहुत ही अच्छा चुना गया था। फिल्म में कोई विकृत या भयानक सा चेहरा की मौजूदगी नहीं है। स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी ना के बराबर ही है, लेकिन फिर भी ये फिल्म देखने के बाद जो लोग भूत प्रेत, काला जादू और चमत्कारी शक्ति पे विश्वास या भरोसा रखते हैं, उनका विश्वास ये फिल्म देखने के बाद और भी मजबूत हो जाएगा।